Look at this. What a beautiful view. क्या शानदार दिख रहा है यार. मतलब मेरा अब तक का आफ्टर लॉकडाउन ये बेस्ट ट्रिप बोल सकते हो आप, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा फीलिंग आएगा. और द साउंड ऑफ जो यहाँ की लहरें हैं. एक जगह है जिसको छत्तीसगढ़ का ऊटी बोल सकते हैं. तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, सीधा एक्सप्लोर करते हैं. सखाराम को देखने के लिए उसके फैंस सामने खड़े हुए थे. थोड़ा रिफिलिंग कर लेता हूँ, उसके बाद राइड चालू करते हैं. अभी 50 किलोमीटर के हिसाब से मैं फ्यूल डाला, क्योंकि डिस्टेंस भी दिखा रहा है 51 किलोमीटर. एंड उसके हिसाब से जाना और आना अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो, गूगल मैप्स 100% श्योर नहीं रहता. 20 किलोमीटर बाद एक हॉल्ट लिया गया. यहाँ से डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 1 hour 6 minutes का दिखा रहा है. एंड होप्स हम लोग इसको जल्दी कवर कर सकें. चलो वापस अब हम लोग इंजन को रिस्टार्ट करते हैं, जर्नी को कंटिन्यू करते हैं. जब हम लोग जर्नी स्टार्ट किए थे उस टाइम का व्यू और अभी के व्यू में कंपेयर करना. माउंटेन्स दिख रहे हो ना, बस हम लोग वहीं पे जाना है और वहां पहुंचने के बाद का व्यू देखना यार सुपर रहेगा. आंटी कोंडरा की साइड जाता है. पता नहीं ये माउंटेंस कैमरे में आ रहे हैं कि नहीं. ये जो माउंटेंस है ये ऐसे करते 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 जैसे हम लोग ड्राइंग में बनाते थे वैसे ही पूरा ये माउंटेंस का शेप है. इट्स टाइम फॉर सम ऑफ रोडिंग. मतलब पीछे का व्यू देख के रोड से कोई मतलब नहीं. एंड शायद हमारे बंदे पहुँच चुके होंगे ऑलरेडी वहाँ पे. हाँ ये लोग पहुँच चुके हैं. हाय बोल दो सब लोग ऑडियंस को. हाय बोल दो. लुक एट द व्यू. मैं इसे छत्तीसगढ़ का ऊटी बोल सकता हूँ. अभी हम लोग इस माउंटेन का सबसे डेंजरस पाथ क्रॉस कर रहे हैं और ये रोड इतना ख़राब है. यहाँ से अगर निकल गया मैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, गिरना होगा तो यहीं गिरूँगा. अरे बाप रे 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 रे. अरे भाई साहब यहीं पर रुके हुए हैं, हम लोग के आने का वेट कर रहे हैं. अब निकल गया वो. ये देखो मेरे हाथ का क्या हाल हो गया. इसलिए मैं सोच रहा था कि राइडिंग के पहले एक तो ग्लव्स ले लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें नॉर्मली होती ही रहेंगी. हमने यहाँ पे रुका है, काफ़ी गाड़ियाँ तो दिख रही हैं, यानी कि थोड़े बहुत लोग भी आए हुए हैं. अब लेट्स सी अंदर क्या है. मेन गेट जनरली बंद रहता है तो हम लोग वहाँ से जाएंगे. सी आउट. हमारे बॉयज अभी ट्रैकिंग के लिए निकले हुए हैं और ये एक पहाड़ जैसा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्लोप है और नीचे है. तो मेरे ख्याल से हम लोग एक पहाड़ पे ही हैं और ये पूरा व्यू ऐसा पहाड़ वाला ही है जैसा मेरे को लग रहा है. एंड सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लग रही है कि भाई नेचर का जो फील है, क्योंकि हमारे जो सिटी है वहाँ पे कोरोना का इतना कहर है, यहाँ पे तो आसपास कोई इंसान तक नहीं, तो कोरोना का कहर तो बहुत दूर की बात है. लुक एट द व्यू जो ऊपर से दिख रहा है, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं. बस दुआ ये कर रहा हूँ कि वहाँ पे थोड़ा सा पानी हो जहाँ पे हम लोग मस्त अपना बढ़िया से नहा सकें. अंडरवेयर वगैरह भूल तो नहीं गया. नहीं भाई अब आए हैं तो अच्छे से नहा के जाएंगे, है ना. तो मतलब सब सामान लाया ना. हाँ ठीक है. ये है हमारे सागर भारती है, ये एक आर्टिस्ट है. बहुत सारे लोग आए भी हैं लेकिन घूमने, बस अपन अकेले तो लग रहा है. सोच रहे थे हम लोग की अकेले. ये तो बात सही है. वैसे तो अभी तक का सबसे बेस्ट पार्ट मैं शूट करने वाला हूँ, उससे पहले अपना इंट्रो देना तो भूल गया. हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अजी खान एंड स्वागत है बंदा आपकी खिदमत में. और आज का माहौल कुछ ऐसा है. वैसे इनको देख के इतना एक्साइटेड फील हो रहा है मेरे को कि मैं उसे रुका नहीं जाती. लुक एट दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू. क्या शानदार दिख रहा है यार.
मेरा अब तक का आफ्टर लॉकडाउन ये बेस्ट ट्रिप बोल सकते हो आप, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा फीलिंग आएगा, और द साउंड ऑफ जो यहाँ की लहरें हैं भाई, तो क्या बताऊँ। और यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट जिसके लिए इतने दूर इन लोग ट्रैवल करके आए हैं वो यही है, मैं भी अब जा रहा हूँ इसमें नहाने के लिए। थोड़ा मौसम में चेंज हो गया है और थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है, और अभी नहाने का जो मज़ा मिल रहा है, ऑसम फीलिंग। तक इस ब्लॉग को भी एंड कर लेते हैं, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, लाइक कर ही देना, एंड सब्सक्राइब जो नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। आपके सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये हो सकता है, छत्तीसगढ़ में घूमने के जितने भी अच्छे अच्छे जगह हैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर होंगी और आफ्टर लॉकडाउन इंशाल्लाह। एंड ब्लॉग को एंड करते हैं, अलविदा शुक्रन, थैंक यू वॉचिंग, दिस इज कम ब्लॉग, सी यू अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो।